नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय मानसून है, यानी कि बारिश का मौसम चल रहा है, और इस समय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कि भुट्टा खाना ना चाहे, या फिर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इस मौसम में भुट्टा ना खाए। और दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को तो वैसे ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, और भुट्टा होता इतना टेस्टी है कि कोई भी इसे खाए बिना रह नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के दौरान आप भुट्टा कह सकते हैं, मकई कह सकते हैं, या फिर कॉर्न कह सकते हैं के खाने के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं के दिमाग में ये भी रहता है कि क्या हम भुट्टा खा सकते हैं या फिर नहीं, और यदि हम खा सकते हैं तो कितनी मात्रा में खा सकते हैं, भुट्टा खाने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे, और सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान भुट्टा खाना सुरक्षित है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्न यानी कि भुट्टा खाना बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन एक सीमित मात्रा में, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, तो आप सीमित मात्रा में भुट्टा का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, भुट्टा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, क्या क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। और दोस्तों, एक बात और, सभी महिलाओं की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती, किसी किसी महिलाओं की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आप चाहें तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, और यदि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो आप आराम से भुट्टा का सेवन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन में कितनी मात्रा में भुट्टे का सेवन कर सकते हैं। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन में आधा कप मकई खा सकते हैं, यह आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। और यदि आप कभी कभी खा रही हैं तो आप एक पूरा भुना हुआ भुट्टा भी खा सकती हैं, और भुट्टे को उबाल के भी खाते हैं तो आप भुट्टे को उबाल के आराम से खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें कि मकई में यानी कि भुट्टे में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो इसमें आपको तरल मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाती है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीज। इसके अलावा विटामिन की बात करें तो थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, आइटोथेनिक एसिड, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन ए और विटामिन ई आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन के भी आपको इसमें मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें आपको फैटी एसिड भी मिल जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भुट्टा, मकई या फिर कॉर्न खाने से आपको कौन कौन से स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तो सबसे पहला होता है कब्ज से आराम। दोस्तों, नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या रहती है, और कई बार आपको दवाई भी खानी पड़ जाती है। और दोस्तों, नॉर्मली आप कब्ज की समस्या से बचने के लिए फाइबर वाली चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो भुट्टे में आपको फाइबर मिल जाता है, जो कि आपको कब्ज की समस्या से थोड़ा राहत दिला सकता है, क्योंकि फाइबर में फैटी एसिड और पानी होता है जो मल प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो यदि आपको भी कब्ज की समस्या रहती है तो इस वजह से आप भुट्टा का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा भुट्टा आपकी आँखों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह आपके बच्चे में जन्म दोष के खतरे को कम करता है। मकई में आपको बहुत ही अधिक मात्रा में फोलेट मिल जाता है, जो कि बच्चे में जन्म दोष के खतरे को भी कम करता है। मकई यानी कि भुट्टा का सेवन करने से आपको उल्टी से राहत मिलती है, क्योंकि मकई में थियामिन नामक विटामिन पाया जाता है, जो आपको इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फायदा है वो है विटामिन ए का स्रोत। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान कई विटामिन लेना ज़रूरी होता है, ऐसा ही एक आवश्यक विटामिन है विटामिन ए। प्रेगनेंसी के दौरान और स्तनपान कराने के दौरान भी आपके शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे महिला और बेबी दोनों के लिए समस्या पैदा हो सकती है। दोस्तों, विटामिन ए से फ़ायदा क्या होता है कि यह भ्रूण के विकास, खासकर उसके फेफड़ों के विकास में मदद करता है। और दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट फायदा है वो है बालों के लिए लाभकारी। कुछ पोषक तत्व जैसे कि आयरन और जिंक की कमी से महिलाओं के बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं, तो मकई में आपको आयरन और जिंक मिल जाता है, जो कि आपके बाल के टूटने की समस्या को कम कर सकता है। इसके अलावा जो सातवां फायदा है वो है एनीमिया से बचाव। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में आयरन की कमी होना बहुत ही नॉर्मल है, और यह आपके लिए बिल्कुल ठीक भी नहीं है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। आयरन खून में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाता है। प्रेगनेंसी में आयरन की जरूरत आपके भ्रूण के विकास के लिए भी होता है, और मक्का में आपको समृद्ध मात्रा में आयरन मिल जाता है, जो गर्भवती महिलाओं को एनीमिया के खतरे से बचा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भुट्टे में बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी होती है, तो इससे आपको बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी मिल जाता है, जिससे कि आप हमेशा एक्टिव रहते हो, तो इस वजह से भी आप भुट्टा खा सकते हैं। इसके अलावा भुट्टा आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है, आपके दिल को सुरक्षित रखता है। तो जिन गर्भवती महिलाओं का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, उन महिलाओं को भुट्टे का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि आप पॉपकॉर्न, कॉर्न स्ट्राच, कॉर्न सिरप वगैरह का सेवन ना करें, आपको हमेशा फ्रेश मकई का सेवन ही करना चाहिए। इसके अलावा कम भुना हुआ या फिर कच्चा भुट्टा भी नहीं खाना है,
या तो आप अच्छे से उबालकर भुट्टा खाइए या फिर आप अच्छे से भून के खाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग पिज्जा में डाल देते हैं, पास्ता में डाल देते हैं, किसी खाने की चीज में डाल देते हैं, सलाद में डाल लेते हैं, सूप में, सैंडविच में डाल के खा लेते हैं, और कई बार अच्छे से उबाल के उसमें नमक और नींबू डाल के खा लेते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप खाइए, लेकिन भुट्टा खा सकते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।